So that's how the winter looked like in Canada. पत्ते हर जगह पे आपको नजर आएंगे गिरे हुए. शाम का वक्त हो गया तो थोड़ा सा लेट कर बना रहा हूँ क्योंकि आई वाज रियली वेरी बिजी टुडे एज वेल. मतलब यहाँ पे जो है सरवाइव करने के लिए काफ़ी हार्ड वर्क रिक्वायर होता है क्योंकि वहाँ पे हमारे उधर मतलब बैक होम तो इतना स्ट्रेस नहीं होता काम का, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होता है. सो दैट्स हाउ द विंटर लुक लाइक्स इन कनाडा, ओंटारियो. ओंटारियो में हूँ आजकल. सो जिस तरह हमारे हुंजा में कलरफुल ट्रीज होते हैं, मैं दिन में मुझे बनाना चाहिए था ये रेड ट्री सामने जैसे कि आप देख रहे हैं. तो बाकी जैसे कि मैंने आपको बताया कि कौन कौन सा आप मतलब आपको कपड़े कहाँ से लेने हैं और जो है विंटर में सर्वाइव करने के लिए क्या टिप्स हैं कनाडा की, जो कि मैंने भी काफ़ी मुश्किल से सीखी. सो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप कि आपने कपड़े शपड़े यहाँ से आके लेने हैं सर्दियों वाले, क्योंकि वहाँ पे जब आप लेंगे तो वो कपड़े यहाँ पे चलने नहीं लगे. तो सबसे जो यहाँ पे फेमस ब्रांड है और अफोर्डेबल ब्रांड है, दैट इज़ माउंटेन वेयर. ठीक है, जो कि यहाँ पे आके काफ़ी सारे लोग वहाँ से कपड़े लेते हैं और अप्रॉक्सीमेटली 100 to 150 तक आपको जैकेट मिल जाती है. आई एम टॉकिंग अबाउट कैनेडियन डॉलर्स. ग्लव्स, शूज़, वो सब कुछ वहाँ से आपको मिल जाएगा. उसके बाद जो है नॉर्थ फेस, जो कि पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब लोग पहनते हैं. इट्स एन अफोर्डेबल ब्रांड ओवर हियर. सो मतलब ये एक दो तीन मतलब और नाइकी और ये वाले मतलब हैं जिनके आप कपड़े वगैरह थोड़े यहाँ पे ले सकते हैं. विंटर शूज़ कोलंबिया और टिम्बरलैंड, क्योंकि यहाँ पे जब आइस वगैरह पड़ेगी तो दूसरे शूज़ से आप स्लिप हो सकते हो. बाकी फिर अगर आप थोड़ा सा अफोर्ड कर सको तो यू कैन गो फॉर कनाडा गूस, दिस वन. मतलब थोड़ा सा ये एक्सपेंसिव कैटेगरी में आ जाता है, बट दैट्स एन एक्सेलेंट ब्रांड यहाँ पे. तो मतलब काफ़ी अच्छी इसके इनके कपड़े काफ़ी अच्छे होते हैं. ठीक है, थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, बट दे आर क्वाइट, मतलब आपको काफ़ी जो है उनके साथ सुकून रहेगा. आप एक बार ले लो, इट्स अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट, तो जो है आप इसको लॉन्ग टर्म यूज़ कर सकते हो. देन मतलब आपको कोलंबिया भी एक अच्छा ब्रांड है, उसकी जैकेट्स भी आप यूज़ करते हो, उसकी भी 200-250 और इस मतलब इस लेवल तक आती हैं. और उसके बाद जो है जैसे ये कनाडा गूस, इसकी स्टार्ट होती हैं 1700-1900 प्लस टैक्स. इसमें 13% जो भी मैं आपको बता रहा हूँ इसमें 13% टैक्स वगैरह, 13% टैक्स ऐड करके तकरीबन 2200 तक बन जाती है कैनेडियन डॉलर्स. और कोलंबिया की 500-700. और सो ये है कनाडा का विंटर. अब शाम हो गई है काफ़ी, एंड शाम के तकरीबन आई गेस 6-7 बज रहे हैं. एंड आई एम मुझे पता है कि मुझे लाइट में वीडियो बनानी चाहिए लेकिन नहीं बना सका. सो टेम्परेचर इस टाइम है 6 डिग्री. कोशिश करूँगा कि इस व्लॉग में अगर मैं कल का दिन भी डाल सकूँ. बर्फ़ अभी तक नहीं पड़ी, बट कह रहे हैं कि कनाडा के डिफरेंट प्रोविंसेस में बर्फ़ पड़नी शुरू हो गई है. बाकी अभी आप कुछ इतना को खास देख नहीं सकते, बट आई विल ट्राई कि मैं कल आप लोगों के लिए थोड़ा सा अच्छा करके वो कवर करूं. सो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि दिन में कोशिश करूंगा उसको बनाने की. सो यहाँ पे अब सर्दी आ चुकी है और ऑटम चल रहा है यहाँ पे. तो ऑटम में इसी तरह पत्ते हर जगह नज़र आ रहे हैं. वैसे एक आपस की बात है, चार सीज़न कहते तो हैं कि हमारे पाकिस्तान में आते हैं, लेकिन मैं इस्लामाबाद में रहा हूँ और बहुत लंबे अरसे तक मैंने वहाँ पे चार सीज़न नहीं देखे. लेकिन यहाँ पे भी एक साल हुआ है मुझे. ये बात नहीं कि मैं यहाँ आके तारीफ़ शुरू कर दूँ यहाँ की और ये वो, बट जो सच है वो सच है. मैंने यहाँ पर
फोर सीजन देखा है, मतलब समर में, समर भी यहाँ पे आया है, स्प्रिंग, ऑटम, विंटर। तो देखें दरख्तों को फुल, मैंने पिछले व्लॉग्स अगर आप जाके देखें तो लश ग्रीन कनाडा को मैंने इस तरह खाली होते भी देखा है। पिछले साल जनवरी में जब मैं आया था, मतलब इस साल जब मैं जनवरी में आया था तो तब सर्दियां थी, हर जगह बर्फ, काफ़ी ज़्यादा, मतलब कोई नज़र ही नहीं आता था। ये जो अभी जिस पर मैं चल रहा हूँ, ये जगह भी अभी कवर हो जाएगी बर्फ से, तो है तो काफ़ी अच्छा, हवा चल रही है, धूप भी यहाँ पर काफ़ी, बस नाम की निकलती है। अब जो है जिस तरह आप कभी हिल स्टेशन जाएं तो वैसी, ये घास अभी ग्रीन है, ये चेंज हो जाएगा इसका कलर भी, अब ऐसा ऐसा लोग भी कम हो जाएंगे, बहुत से लोग सिर्फ यहाँ पे समर में आते हैं और जो कि नेशनल्स हैं, काफ़ी सारे नॉन रेजिडेंट कैनेडियन नेशनल्स जो कि समर में आ जाते हैं यहाँ पे, और समर में तो यहाँ पे जन्नत जैसा मौसम होता है, मतलब ऐसा वेदर होता है कि बस बंदा कहता है कि हर जगह से आपको खुशबू आ रही होगी और डिफरेंट तरह के फल जो हैं वो लगे होते हैं रोड पे चलते चलते, एप्पल, बेरीज, और इवन आप ये देख लें कि मैं आपको छोटी सी चीज़ दिखाता हूँ कि ये पाकिस्तान में एक ग्लास मेरा ख़्याल है इसका 400-500 का, अनार के जूस का, यहाँ पे 4-5, कुछ चीज़ें जहाँ महंगी भी हैं कुछ चीज़ें सस्ती भी हैं, अब $5 का ये प्योर ओरिजिनल जो है ये जूस, तो इट्स अ वेरी गुड, मतलब यहाँ पे ये चीज़ें हैं कि मतलब दो नंबरी नहीं है, क्योंकि गोरे अब इन चीज़ों पे दो नंबरी नहीं करते, हमारे वाले तो पानी शानी मिलाया बस ठीक है पूरा किया, चलो जी बर्फ़ डाल के पूरा कर दिया ग्लास और ले भी 400-500 लिया, लेकिन यहाँ पे $3-4 का ये पूरा 2 लीटर का, और है भी ओरिजिनल, कोई चीनी, कोई शुगर, कोई केमिकल कुछ भी मिक्स नहीं, अगर मिक्स करते हैं तो ये बताते हैं पीछे, उसके अंदर लिखा होता है कि भाई ये केमिकल मिक्स किया है, ये फ्लेवर डाला है या कुछ भी, जो चीज़ लिखी है अगर वो ही है यहाँ पे वही मिलेगी, अगर वो नहीं मिलेगी तो ये कोई भी यहाँ पे इनको सू कर देगा और ये रोते रहेंगे फिर बैठ के, यहाँ पे तो बहाने ढूंढते हैं सू करने के लिए, क्योंकि इन मुल्कों में मिलियन मिलियन डॉलर का तो सू होता है सिर्फ। सो ये वेदर है आपके सामने जो आजकल का वेदर होता जा रहा है। मैं बाहर निकला था थोड़ा, मैंने कहा ज़रा तबीयत मेरी भी थोड़ी अपसेट है, थोड़ा फ्लू वगैरह पता नहीं कहाँ से हो गया एकदम से, हालांकि मैं तो काफ़ी एहतियात करता हूँ, बट स्टिल चल रहा है कुछ इधर इसी तरह से, वेदर चेंज हो रहा है क्योंकि घरों के अंदर जो है वो गर्म होता है और बाहर निकलो तो एकदम ठंडा, तो इसलिए इवन मतलब अगर हीटर भी चल रहा है तो घर पे इतनी फिर गर्मी होती है कि घरों के अंदर यहाँ पे ये माहौल है कि अब घर के अंदर चले जाओ तो टेम्परेचर होगा 25-26 और बाहर निकलो तो एकदम से 2-3। इस टाइम भी यहाँ का वेदर है 4-5 डिग्री है, तो आप ये देख लें मतलब नॉर्मल स्लीपर्स और इनके अंदर ही मैं खड़ा हुआ हूँ, तो इतनी कोई ठंड ठंड फील नहीं हो रही क्योंकि अब बॉडी यहाँ पर एडजस्ट हो गई हुई है। ये ट्री आपने देखा होगा अक्सर मेरे व्लॉग्स में, लश ग्रीन, चेहरा ये भी खाली हो गया। खैर यहाँ की सर्दियाँ फिर ये हैं, बाकी अब अगला व्लॉग जो भी मैं आपके लिए बनाऊँगा उसमें मैं होपफुली बर्फ़ को कवर करूँगा, और जो कैनेडा आ रहे हैं उनके लिए भी एक छोटा सा व्लॉग बना दूँगा। ये मेरा खाना है, बाकी See you next time. Take care. Bye for now.